आप सभी का स्वागत है। ये लाइव हो चुका है यूट्यूब पर। गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा विषय दोस्तों, आज का वेबिनार का विषय हमारा हाउसिंग कॉन्फ्रेंस का ऑन कॉन्फ्रेंस अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ एमसी एंड मेंबर्स एंड बायलॉज। तो इस विषय पर बात करने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, तमाम हाउसिंग सोसाइटी मामलों के जानकार कीनोट स्पीकर है मिस्टर के उदयशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत है। और हमारे जो मॉडरेटर हैं मिस्टर राजीव सक्सेना, चेयरमैन आप टास्क फोर्स बनाया महासेवा ने, ये जो COVID-19 में तमाम जो सर्कुलेशन आते हैं गवर्नमेंट के दोस्तों, वो तमाम और दूसरे विषय हो उनको लेकर टास्क फोर्स तैयार किया गया महासेवा ने, उसके चेयरमैन है मिस्टर राजीव सक्सेना और फाउंडर है डायरेक्टर माई सोसाइटी क्लब के, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे जो उदय शंकर जी है उनका मैं स्वागत इन लाइनों के साथ करता हूँ। अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, जब भी मुसीबत आती है, जब भी मुसीबत आती है ना जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सिर झुकाता हूँ और वो सबके सामने मेरा सिर उठाता है। ऐसे मिस्टर के उदय शंकर जी हमारे साथ मौजूद है, जो उनका सिर सही मायने में उनका जो नॉलेज, उनका ज्ञान है, वो प्रभु परमेश्वर हमारा परमात्मा भगवान उनका सिर कहीं भी नहीं झुकने देता, वो हमेशा दुनिया में उनके सिर को ऐसे ही बरकरार रखे ज्ञान के साथ। अभी इनवाइट करता हूं मैं मिस्टर राजीव सक्सेना को और वो आए और आगे की इस बागडोर को बताएं और साथ ही उदय शंकर जी का परिचय। जी राजीव जी, धन्यवाद शर्मा जी एंड थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं जैसा हमेशा बोलता आया हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा, रमेश प्रभु जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मुहिम से मेरे को जोड़ा और ये मेरा सौभाग्य कि मैं अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ इस संस्था को वो मैं दे रहा हूँ अपने जितनी भी टाइम है मेरे पास में, क्योंकि मैं काफी और जगह जुड़ा हुआ हूँ। बट यस, आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस माध्यम में जुड़ा हूँ और मैं सबकी सहायता कर रहा हूँ जितना पॉसिबल है। हमारे साथ आज बहुत ही अनुभवी और मजे हुए वक्ता हमारे साथ में है। जैसा कि शर्मा जी ने बताया अभी कि उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, हाउसिंग सोसाइटी के बारे में काफी अच्छा अनुभव है, तो मैं आपको बताऊं कि उदय शंकर जी ने 99 से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का काम लगातार कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। जहां भी सोसाइटीज को, किसी संस्था को इनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको सोसाइटी रजिस्टर करना है, उसमें ये अपना सहभाग प्रदान करते हैं। 2013 के से इन्होंने काफी उरन एरिया में कन्वेंस का काम किया है, चाहे वो विद द कोऑपरेशन ऑफ बिल्डर के द्वारा हो या नॉन कोऑपरेशन के द्वारा हो, उन्होंने काफी प्लॉट्स को सोसाइटी के नाम पे कन्वर्ट करके दिया है। 2015 में इन्होंने ट्रेनिंग लिया, फॉर्मल ट्रेनिंग लिया यशवंत राव चौहान संस्थान के द्वारा ट्रेनिंग कनेक्ट करने के लिए। 2016 में इन्होंने उरन में एक फेडरेशन का गठन किया जो वहां पे उसकी कमी थी उरन एरिया में, और उसके बाद ये फेडरेशन में सेक्रेटरी रहे काफी टाइम तक। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक नया सब्जेक्ट हमारे बायोलॉज में, हमारे एमसी एक्ट में एड हुआ है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हाउ दैट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैन प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द हार्मोनियस रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेंबरशिप हमारे पास में कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी उदय शंकर जी से लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो इन शब्दों के साथ में मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के वक्ता मिस्टर उदय शंकर जी को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू मिस्टर रमेश प्रभु, महासेवा एंड एमएनएस मीडिया for giving me this opportunity to share my knowledge, whatever little experience I've got, I would like to share with it you. At the same time, I would also like to wish my sir, Mr. Vijay Samant, who actually I've been a student of his during my stint with Yashwant Rao Chowdhury Pratishthan, and the certificate is actually over here. He's the person who has taught me the subject of redevelopment way back in 2015. Thank you, sir, very much. I need your blessings for today's webinar. Sir, this is one of the most important subjects. Basically, हम जब गाड़ी को चलाते हैं तो जब तक हमारे को उस गाड़ी का दिशा या दशा पता नहीं चलता है तो हम हमारे गंतव्य स्थान पे पहुंच नहीं सकते हैं।
Similarly, and we need a guide to actually take us to the destination. Similarly, in the housing society, the managing committee members are basically in the driver's seat, and without being aware of the position or the status of the housing society and the direction which it has to go. And therefore, this webinar has been being conducted today to just inform them about the awareness about the rights and duties of the managing committee and members of the cooperative housing society. We would like to know what is a cooperative housing society and the duties. The registration of a cooperative housing society renders it as a body corporate or a legal entity with perpetual succession having a round tail. A member may reside in a society, thereafter he may sell his flat and resign from the membership, but the society remains in existence perpetually. A member may die, thereafter his membership actually ceases, but still the society remains in existence. The society's building can be demolished, the society can go for redevelopment, yet the building is not in existence, but the society remains in existence, which means there is a perpetual succession in the housing society. The society can acquire, it can dispose, and it can utilize the properties, and it can sue a member, or it can be sued in a court of law if there are any infringement of the law. It can also enter into a contract or housekeeping like AMC or redevelopment, and it can do all those things for which it has been constituted for. What are the objectives? The constitution of the CHS has been done to achieve these objectives. One is the management, administration, maintenance and repair, conveyance, redevelopment. Maintenance and administration में आ जाता है आपका audit बोलो या ना तो elections बोलो जो कुछ भी होता है उसमें आ जाता है. AGM, general body meeting सब कुछ आ जाता है. Maintenance and repair, everybody is aware of it. Conveyance and redevelopment. How are these objectives to be attained? The objectives of the CHS are to be attained as per the bylaws adopted by the society. What are the bylaws? Bylaws are rules of cooperative societies. Working of the CHS has to be done in line with the provisions given in the bylaws. Bylaws are the tripartite agreement between the managing committee, registrar of cooperative societies, and the members of the societies. And the bylaw gains the status of approval once the registrar puts his signature and seal of his office on the bylaws. Market mein jo available hai bylaws, they are called only the model bylaws. They are not the approved bylaws. Bylaws are to be adopted as per the general body meeting and then submitted to the registrar of cooperative societies for seal as well as for a signature. Then only it can be considered as a bylaws. Jo ki last apna slide mein diya hua hai in detail mein how the bylaws are to be adopted. What are the basis of the bylaws? The basis of the bylaws are the Constitution of India along with amendments. Housing society में कहा जाता है कि bachelor को भाई इनको membership नहीं देना है भाई या ना तो कोई एक particular जाति के लोगों को भाई permission नहीं दिया जाएगा for membership. One should understand that we are working under the Constitution of India and which is prevalent and valid all over the state of India. So we cannot distinguish members based on caste, creed, religion, gender, age, social status or political affiliations, handicappedness or jo kuch bhi, we cannot actually refuse membership to anybody because membership is voluntary and common. The MCS Act, second, the basis of the bylaws are the MCS Act along with amendments. Then thereafter, we have the MCS rules along with amendments. The periodical circulars issued by the state government under section 79A of the MCS Act. The periodical circulars regarding redevelopment, how redevelopment procedures have to be affected, how the self-development has to be affected, the premium amount which has to be charged, non-occupancy charges, all these actually are not given in detail in the bylaws. But these circulars actually contain those things and these also form part of the bylaws. And the MOFA Act 1963 along with amendments, the Maharera Act along with amendments, Income Tax Act along with amendments, Surface Act 2002 along with amendments, Transfer of Property Act 1882, Indian Succession Act, that is for transmission of shares. What does a CHS expect from its members? A CHS expects its members that they need to be aware of the cooperative laws and to cooperate. A society is an extended family much beyond the four walls of the flat which a member occupies. आजकल में क्या हो गया कि भाई शहरीकरण के वजह से लोगों के जो relatives भाई बहनें normally बाजू में रहते नहीं है. So we should consider the neighbors
एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मच भी चिंतित क्या होता है अभी कोरोना के समय में लीजिए तो कहते हैं भाई कोई किचन इफेक्ट हो गया तो नेबर इज द फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू कम टू आवर एड देयरफॉर वी सोसाइटी इज एन एक्सटेंडेड फैमिली मच बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ द फ्लैट विच इज ऑक्यूपाइंग अ मेंबर इन द एमसी शुड नॉट कमिट सच एक्ट that are detrimental to the interest of the CHS. A member and the MC should adhere to the statutory compliances. Why does a dispute arise? A dispute arises because either the MC or the member or a builder promoter is not adhering to the rules or compliances of statutory requirements. What is the best way of effective discussion? So effective discussion is not to find out who's wrong or right, but to find out what is right for the CHS. One that is in the interest of the CHS. So what is important here ki jab bhi dispute arise hota hai to humko zaruri ye hai find out karne ka ki galat kaun hai wo zaruri nahi hai kya galat hai ye humko important hai find out karne ke liye aur hamare CHS ke liye kya cheez important hai wo bahut zaruri hai jisse ki hamare CHS mein ek sauhardpurna vatavaran bana rahe ye bahut zaruri hamare koi bhi ek dispute jab arise hota hai to uske discussion ke liye what are the causes of the problem in a society problems are pivoted around two aspects mainly ego of the parties involved and ignorance about cooperative laws problems arise because of ego of the parties involved lack of cooperative knowledge and laws lack of effective communication intolerance by the parties involved normally logon ko chittiyan tak likhne ko nahi aata hai kya bhai kaisa likhna hai kisko likhna hai kahan pe complaint karna hai ab next slide dal dijiye the lack of effective communication and that is why we require cooperative training and education in a sustained manner it is not one time I mean one should understand ki kisi bhi hamare ko graduation karna hai to 10-15 saal lag jata hai similarly cooperative training bhi lena hai to ek aadhi meeting mein ya ek session mein wo kabhi training pura hone wala nahi so we need to have sustained training at all levels as far as the cooperative management is concerned for the simple reason of enhancement of skill for members so that disputes are minimized and the society can function in an orderly and smooth manner with added proficiency who are called as members what are the classification of members members are those individuals who have signed on the registration proposal of the CHS or are admitted to membership of the CHS after its registration bahut sare logon ko main webinar mein dekha hu maine 3-4 din pehle ke baad bhi dekha hai ये भाई हमारी सोसाइटी बन गई और पहला जीबीएम हो गया पहला उसे बिल्डर भी आ जाता है इन टर्म्स ऑफ अनसोल्ड फ्लैट तो वो भी प्रमोटर हो जाता है एंड वन दी सोसाइटी रजिस्टर्ड देन दे कैन बी कॉल्ड एज मेंबर नाउ हु आर द ओरिजिनल मेंबर हुज नेम स्टैंड्स फर्स्ट इन द शेयर सर्टिफिकेट एंड वन हुज आल्सो इज एन ओनर ऑफ अ यूनिट इन अ कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी उसका जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दैट इज बेसिकली because membership issues are interlinked and interdependent and they are concurrent with the registered agreement next is the joint member is a person who has jointly registered an agreement along with another owner and whose name stands second in the share certificate associate member is a person who is not an owner whose name does not exist in the agreement it can be any of the relatives not necessarily a blood relative normally kya hota hai wife is not a blood relative but so isliye father brother mother wife anybody can be an associate member you can take a membership subject to the NOC issued by the original member and there will be no entries in the share certificate as per the amendment dated 9th march 2019 iske pehla associate member was also having rights in the property okay. Then is the provisional member is a person and is a temporary arrangement for a nominee who shall be a member till all the legal heirs are established and enrolled as members. Now one should note that the membership in a society depends upon the various institutions under which your society is working. For example, CIDCO, MADA, SRA. By inka jo conditions hai, pehla wo fulfill karna padega, tab tak bhai aap society ke membership ban le sakte hai. For example, CIDCO mein jab tak aap CIDCO ka transfer premium nahi bharte ho, तब तक यू कैन नॉट पे दी इवन इफ यू पे दी ट्रांसफर प्रीमियम फॉर दी सोसाइटी अब मेंबरशिप विल नॉट बी एक्सेप्टेड विल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ सीएचएस द फर्स्ट जीबीएम टू बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सीएचएस इट इज कन्वेड बाय द चीफ प्रोमोटर एंड इट इज हेल्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ सीएचएस
most of the people actually confused between GBM and AGM. GBM, GBM जो है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का आयुष्य में एक ही बार होता है. AGM is to be held on 30th September every year and it is to be held by the society. It is to be held annually for entire lifetime of a CHS. AGM to be held by the managing committee convened for a special topic to be held as per requirement. There is no upper limit of number of meetings. Number of meetings in a year, it can be any number of meetings. For example, redevelopment ke liye kafi AGMs ho jate hain. AGM to be held based on requisition of one fifth of the CHS members to be held as per requisition. Yahan pe ek baat dhyan dene wali baat hai ki if there is no quorum in the requisition meeting, the meeting stands dissolved as per bylaw number 101. One fifth of the members can actually write to the society, to the managing committee as per bylaw number 96, and then the society can hold AGM specifically on any one particular subject as per their requisition. Then there is an AGM also which can be held specifically and exclusively for election purposes only, to be held within 1 year before the tenure of the provisional managing committee expires, and thereafter once in every 5 years before the expiry of the tenure of the managing committee. Managing committee meetings are to be held once in every month and quorum is essential over here. When should a chair certificate of a CHS to be issued? One should understand that property rights and membership rights are two different things. And according to my experience, I would like to share a chair certificate jo hai, ye mera property card hai for membership. It is such an important document. Bhale iska value 500 rupaye ka ho. Property ka keemat jo hai lakh rupaye mein hota hai, crore rupaye mein hota hai. Share certificate keemat jo hai. So share certificate to be issued by the CHS, jo within 6 months from the first general body meeting needs to be issued by the CHS, or 3 months from the date of application for transfer of membership is received and accepted by the CHS. So jab bhi kisi property ka transfer membership application aata hai और CHS में कमिटी में अप्रूव होने के बाद में विदिन 3 months उसको सबमिट करना इशू करना जरूरी है. व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट? सो देयर आर टू प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हियर एंड अंडर व्हाट ओकेजन द शेयर सर्टिफिकेट आर टू बी इशूड अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट टू बी इशूड. लॉस ऑफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट दैट्स अ फर्स्ट रीजन, और इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज म्यूटिलेटेड और टॉर्न illegible, you can read it, are eaten by the termite. So these are circumstances under which the duplicate share certificate can be issued. Now procedure which needs to be followed by the committee by adopted by the original SC is lost. The member to lodge an FIR with the nearest police station and to submit a copy of the same to the CHS. So first member ko uska ek FIR lodge karna hai nearest police station, because ye bahut important document hai जो आपके प्रॉपर्टी के राइट एस्टेब्लिश करता है. इसके लिए उसका होने के कारण जब भी होता है तो आपको पहला एक एफआईआर लॉन्च करना है आपके रेस्पेक्टिव एरिया में, और उसका कॉपी जो है आपको सोसाइटी में सबमिट करना है. द एमसी टू पब्लिश नोटिस इन टू लीडिंग न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन बाय द एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल फर्म और अदर एंड आस्किंग देम टू फर्निश द क्लेम एंड ऑब्जेक्शन इफ एनी with the documentary evidence to secretary of the CHS on a pre-appointed date and time. So jabhi bhi aisa kuch situation hota hai to us time pe after submission of filing the FIR do newspaper mein jo leading newspaper hai us area ke usme aapko ek notice public dalna hai jisme you can seek the objection from finance, because koi bhi property pe usme shayad loan ho sakta hai, uske upar kuch lien ho sakta hai, to iske liye zaruri hai ki hum ek public notice declare kare पेपर न्यूज़पेपर में और इंडिविजुअल फर्म से या लोगों से उस पर ऑब्जेक्शन सीख करें कि अगर उनका उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, और वो उनको सेक्रेटरी को रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एविडेंस के साथ में विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और डेट. कॉस्ट ऑफ द पब्लिकेशन टू बी बॉर्न बाय द मेंबर, जो भी उस पब्लिकेशन का खर्चा है वो रेस्पेक्टिव मेंबर को ही उसका उठाना है. इफ देयर आर नो क्लेम और ऑब्जेक्शन द एमसी शैल इशू अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट. अगर स्पेसिफाइड टाइम के दौरान कमेटी को किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी फर्म से या इंडिविजुअल मेंबर से नहीं मिलता है तो उस केस में सोसाइटी एमसी मेंबर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं.
take an indemnity bond duly notarized on 100 rupees stamp paper from the member, indemnifying the CHS against future claim and objections that may arise, and for treating the original CHS certificate as cancelled if found later. So, jo bhi member hai, unko ek indemnity bond dena hai society ko 100 rupees stamp paper ke upar. इसके लिए कि कोई भी अगर भविष्य में उसका ऑब्जेक्शन आता है उसको सोसाइटी को इंडेमनीफाई करते हैं और इन केस अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट मिलता है दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए कैंसल. तो इस टाइप का एक इंडेमनिटी बॉन्ड सोसाइटी को सबमिट करना है, उसके बाद ही कमिटी उनका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है. द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शैल बी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल लॉस शेयर सर्टिफिकेट बेयरिंग द नंबर सीरियल नंबर एंड डिस्ट्रिक्टिव नंबर्स. तो जो हमने फर्स्ट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया था उस पर जो भी नंबर मेंशन है वो सेम नंबर हमारा उस पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के ऊपर आना चाहिए, वही चीज रहनी चाहिए. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अपर एक्सट्रीम कॉर्नर मार्क विद रेड इंक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट राइट एसडी चेयरमैन एसडी सेक्रेटरी एंड मेंबर एमसी मेंबर. तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे हम वहां पे लिखें कि ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो जिससे कि बहुत बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो पाए कि ये फर्स्ट सर्टिफिकेट खो गया है और ये सेकंड सर्टिफिकेट इशू किया गया है. सो एट द बॉटम ऑफ बॉटम द प्रेजेंट चेयरमैन सेक्रेटरी एंड एमसी मेंबर शैल साइन. तो जो भी ऑफ कोर्स अभी जो पास्ट के चेयरमैन सेक्रेटरीज वगैरह है उनके तो आप साइन उसमें ऑप्ट नहीं कर सकते, बट बॉटम ऑफ द सर्टिफिकेट द करंट चेयरमैन सेक्रेटरी और मेंबर शुड साइन द डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट. रिपीट द प्रोसेस ऑन द कॉन्ट्राफॉइल सेम थिंग. आपका जो कॉन्ट्राफॉइल रहेगा शेयर सर्टिफिकेट का उस पर भी आपको सब इन्फॉर्मेशन डालना है और आपको साइन करने है. Collect rupees 100 as charges for issue of duplicate certificate. As per the bylaws, the fee is 100 rupees jo member ko pay karna hai committee society ko for issue of duplicate certificate. Uske saath hi jab ye sara process follow hota hai to aapko apna MC committee mein ek resolution pass karna hai ki we have followed this entire process. Aur ye follow karne ke baad mein committee resolve karti hai ki now is basis pe hum member ko ek duplicate share certificate issue kar sakte hai. Procedure to be adopted when एससी इज टर्न जो शेयर सर्टिफिकेट है वो अगर टर्न हो गया है म्यूटेट हो गया है एलिजिबल है अगर आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं और इट इन बाय द टर्माइट. ये सारे आपको प्रोसेस फॉलो करने हैं और जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वो सारे प्रोसेस फॉलो करके आप एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मेंबर को इशू कर सकते हैं. वो प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइन किया है. वॉट इज द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड फॉर नॉमिनेशन. अ मेंबर इंटेंडिंग टू फर्निश नॉमिनेशन शुड डू सो in triplicate by duly filling all the blanks in his own handwriting and sign duly witnessed by two other who are preferably member of the same CHS. do log jo usi society mein rehte hain preferably wo log usko as a witness sign kare. form pre printed form aata hai iska as per bylaws jo member ko triplicate file submit karna hai they have to write on their handwriting and submit to the CHS with the witness. Take acknowledgement of the secretary on the triplicate copy. अभी ये तीन जो document हम submit करते हैं, copy submit करते हैं, उसका एक reason ये है कि एक जब भी आपने document submit किया immediately उसमें आपको society के secretary का acknowledgement लेना है कि उन्होंने document submit किए. The MC after the receipt of the original as well as the duplicate nomination form shall convene a meeting of the MC member within the 8 days and pass the resolution to that effect in favor of the nominee. So within 8 days committee meeting conduct करके उसमें एक resolution pass करना है कि ये nomination receive किया member का और once it is approved then it has to be informed. After record the detail of the nomination as well as the nominated member as per submission in the nomination register the secretary shall once again issue the duplicate form to the nominated member duly endorsed with the seal of the CHS signature of the secretary and the specifying the date of the meeting in which the nomination was recorded. And what serial number has been recorded in the register. So ये एक process है जहाँ पे जैसे ही nomination आपके पास में आ गया आपने committee में उसको approve किया resolution pass किया उसके बाद जो आपके पास में nomination register है उसमें endorse किया कि at what serial number the details have been endorsed or entered और उसके बाद में आप जो member का form है उसमें आप उसको detail डाल के वापस को return करेंगे. This is the form, this is the process for taking the nomination. In case of acquiring membership of the basis of nomination, such members shall hold the flat until in trust till all legal hire are brought on the record and shall not have the right to ownership and shall not create the third party interest or alienation in any way whatsoever.
Now, very important, and nomination is just a trust. It is a trustee of the property. He doesn't have a right on the property till the time legal hires are brought on the record. So nomination ka matlab ye nahi ki jo bhi nomination hai wo he has become the legal owner of the property. Unko apna property ke bare mein, agar suppose legal hires hai to unko apna property ke bare mein document prove karne hai sudhari samne, uske baad mein hi property unke naam pe transfer ho sakti hai. Why is nomination required to be registered in a CHS? ye bahut ek important subject hai ki hamare kabhi kabhi logo ke dimag mein rehta hai ki normally automatically by virtue of the succession law, the property will become the owner, the ownership of the property becomes the wife or maybe husband in case of any member's demise. So ye ek bahut bada logo ke hamare ek assumption rehta hai ki by default property agar jo member nahi hai wo expire hota hai to uske baad unka jo bhi immediate person hai uske naam mein property ho jayegi. To aisa nahi hai, iske liye zaruri hai ki hamare हम हमारी प्रॉपर्टी का हमेशा नॉमिनेशन सबमिट करें और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नॉमिनेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द रजिस्टर्ड मेंबर टू द सीजेस विदाउट फेल विद एन इंटेंट टू प्रिवेंट फर्दर लीगल हैसल्स. तो अगर ये नॉमिनेशन हमारे पास में है तो उसके बाद के जो लीगल हैसल्स होते हैं जहाँ पे आपको प्रूव करना है आपका हैशिप वो थोड़ा आपके लिए कम हो जाता है ये एक हैसल. तब तक आपके पास में जो भी प्रॉपर्टी का राइट्स है वो आपके पास में एज ए ट्रस्टी रहता है अगर नॉमिनेशन हमारे पास में है. So hassles in terms of money and time go to the hire of the deceased member as well as the CHS and to ensure the smooth transition of shares and interest of the deceased member in the capital property of the society to the nominee or legal heir. So ye bahut important hai agar jo hamare legal hassles se unko humko side mein karna hai. Agar ye nahi rahega to bahut problems aati hai society ke ki kiske naam pe humko property dena hai, kisse humko jo hamara maintenance hai wo collect karna hai, kisko address karna hai. To ye sare issues hai. अगर नॉमिनी है हमारे पास में अगर नॉमिनेशन दिया हुआ है तो ये सारे इश्यूज को हम प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर. व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इफ अ मेंबर डाइज विदाउट अ नॉमिनेशन. सो व्हाट इज द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड इफ अ मेंबर डाइज विदाउट अ नॉमिनेशन. अगर नॉमिनेशन नहीं है तो हमारे पास में क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने हैं. इफ अ मेंबर डाइज विदाउट मेकिंग अ नॉमिनेशन और इफ नो नॉमिनेशन कम्स फॉरवर्ड फॉर ट्रांसफर द सोसाइटी शैल इनवाइट विद इन 6 months from the information of his death claim an objection to the proposed transfer of shares and interest to the deceased member in the capital property of the society by a public notice in the prescribed form, exhibit on the notice board of society, and also publish the matter into 2 local newspaper having wide circulation. After taking into the consideration the claim and objection received in response to the said notice and after making such inquiries and based on the prevailing circumstances, the committee may decide as to who is the is in opinion is a legal hire or legal representative of the deceased. So ye ek process follow karna hai within 6 months jab bhi unko information milti hai kisi member ke death ki unko ek process follow karna hai jahan pe public notice dena hai society ke news society ke notice board pe publish karna hai notice ko aur ek specific time dena hai aur date dena hai jab tak un logo ko uska objection uske bare mein submit karna hai apna claim submit karna hai. Baad mein just basis the objection received the society can take a call ki kisko property ke naam pe transfer karna hai kisko uske naam pe rakhna hai. Why is audit of accounts of CHS required to be done? The objective of audit of CHS is to find out the following: the financial status of CHS as a particular period. So ek particular period hai hamara financial year hota hai uske beech mein uska financial status kya hai uske liye zaruri hai audit hona. To know the detail of asset and liability of the CHS. CHS का हमारे पास में क्या assets है, क्या liability है, उसके लिए जरूरी है हमारे पास कि हम उसका every year जो हमारा financial year हम audit करें. To know the detail of who owes money to the CHS and what CHS owes to the others. तो आपने देखा काफी लोग जो है बहुत defaulted होते हैं society के अंदर जिन्होंने payment pay नहीं किया है for what is of a reason. तो जरूरी है मालूम पड़ना कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने society को अपना maintenance time पे payment नहीं किया है और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सोसाइटी को एडवांस में पेमेंट दे के रखा है. टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंट. हमारा क्या सोसाइटी का प्रॉफिट है लॉस है, हमें कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, वेदर हमने जो हमारा इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंसेस किए हैं और या हमारा जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से कम है. तो ये सब चीजों के बारे में जानने के जरूरी है कि हमारा सोसाइटी का अकाउंट जो हमारा है उसका ऑडिट हो एवरी ईयर विद द फाइनेंशियल ईयर. State the significance of a statutory auditor impaneled on the list of cooperative department.
the bylaws of the other type of cooperative societies and different and distinct from the bylaws of CHS. So, dono hamare jo cooperative societies hai, like sugar mills hai aur banks hai, unka jo requirement hai aur jo society ka requirement hai, wo kafi alag hai. Hence, the strategic auditor impaneled on the list of cooperative department, apart from auditing the accounts, shall be able to guide the various type of cooperative societies. So, jaruri hai ki jo hamare auditors hai, they are aware about the society bylaws. उनको मालूम होना चाहिए कि किस किस जगह पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है, क्या रिमार्क देने हैं और हमारा कंप्लायंस क्या है एज पर द बायलॉज. अलग अलग सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बायलॉज अलग अलग होता है. क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बायलॉज अलग है. शुगर फैक्ट्री सोसाइटी का. am I audible sir? Yes, sir. Hello. Audible. Yes, audible sir. Audible. Yeah, sugar cooperative societies का बायलॉज अलग होता है. सिमिलरली हाउसिंग सोसाइटीज का बायलॉज अलग होता है. तो इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, he can give his observations and remarks for that particular classified society. Housing ka hoga to housing ka bylaw ke hisab se wo he can give the observation and usko implementation karne ke liye society mein bandhan karak rahega. Okay, now what are the semi permanent and permanent documents? Certain documents like bills and receipts can be retained for a period of 10 years and then destroyed through a general body meeting. Kya hota hai ki income tax purpose ke liye नॉर्मली जो बिल्स एंड रिसिप्ट है ये नॉर्मली 8 से 10 साल तक चलता है. एडेड टू इट मुंबई जैसे शहरों में वी हैव गॉट यू नो कॉन्स्टेंट ऑफ स्पेस. सोसाइटी रिकॉर्ड्स कायम के लिए रख नहीं सकता है. तो इसीलिए दे आर कॉल्ड अस टेम्पररी सेमी परमानेंट डॉक्यूमेंट एंड दे कैन बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर पीरियड ऑफ 10 years ऑल्सो थ्रू ए रेजोल्यूशन ऑफ जनरल बॉडी. दे कैन बी डिस्ट्रॉयड. देन देर आर अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर कॉल्ड अस परमानेंट डॉक्यूमेंट्स एंड दे आर दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पेपर, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, सिंकिंग फंड रजिस्टर, नॉमिनेशन रजिस्टर, शेयर सर्टिफिकेट, ओ फॉर्म्स, ओ रजिस्टर इत्यादि वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, ऑल दोस थिंग्स आर टर्म्ड एज परमानेंट डॉक्यूमेंट एंड दे नीड टू बी मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द सोसाइटी इज इन एग्जिस्टेंस. दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट डॉक्यूमेंट्स. अगर हम किसी तलाटी के ऑफिस में गए या नहीं तो लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के ऑफिस में गए तो कम से कम वो 30-40-50 साल का भाई डॉक्यूमेंट उन लोग के पास मिलता है. एंड वी कैन यू नो टू दी सर्च रिपोर्ट फाइंड आउट इट डिटेल्स फॉर द लास्ट 30 इयर्स जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी था क्या था. सिमिलरली सोसाइटी ऑल्सो बींग ए लीगल एंटिटी वी नीड टू कीप दीज डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली एज लॉन्ग एज दी सोसाइटी रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस. और ये डॉक्यूमेंट्स खास करके रीडेवलपमेंट के टाइम में बहुत ही काम आता है. वन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड देयरफॉर वी नीड टू keep these documents on a perpetual basis permanently sambhal ke rakhna chahiye. Next slide. What are the various forums to lodge complaints if aggrieved? हमारे मुझे WhatsApp पे बहुत सारे मिलता है साहब रजिस्ट्रार ने मेरा काम नहीं कर रहा है. हमारे को सप्लाई पानी का सप्लाई देयर इज अनइक्वल सप्लाई रजिस्ट्रार को हमने लेटर लिखा रजिस्ट्रार काम नहीं कर रहा है. भाई रजिस्ट्रार इज नॉट टेकिंग मैं RTI के अंतर्गत मांग रहा हूँ. बट वन शुड अंडरस्टैंड रजिस्ट्रार का रोल क्या है, उसका दायरा क्या है. रजिस्ट्रार रेजुलेशन के ऊपर एक्ट नहीं करता है. इफ अ मेंबर केस टू यू नो गिव हिज मनी टू हिज सोसाइटी पे ड्यूज रजिस्ट्रार का भूमिका है. रजिस्ट्रार विल इन्वॉल्व. इफ रिकवरी प्रोसीडिंग करना है रजिस्ट्रार विल इन्वॉल्व. सपोजिंग कुछ करस्पॉन्डेंस अगर सोसाइटी करता नहीं है रजिस्ट्रार विल इन्वॉल्व. तो रजिस्ट्रार का दायरा अलग है. कोऑपरेटिव कोर्ट का दायरा अलग है. इफ यू आर हैविंग अनइक्वल सप्लाई ऑफ वाटर यू नीड टू फाइल अ केस इन द कोऑपरेटिव कोर्ट. सिमिलरली फॉर रेजुलेशन एक बार एजेंट का रेजुलेशन हो गया रजिस्ट्रार कैनॉट एक्ट ऑन दैट. एंड अनफॉर्चुनेटली क्या होता है हमारे बहुत सारे सोसाइटी के मेंबर्स को पता नहीं जाता. यस यू कैन टेक एन ऑब्जेक्शन बट देन यू नीड टू राइट इट इन दी नोटिफाइड इन दी मीटिंग इटसेल्फ. सिविल कोर्ट में जाएगा तो कन्विंस के लिए जाना है या अदर मैटर. म्युनिसिपैलिटी में जाएगा तो भाई यू हैव टू गो. उड़न में केस हुआ है भाई नाला भर गया और क्या हो गया भाई म्युनिसिपैलिटी को कंप्लेंट करने के बजाय तो इन्होंने जाके भाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया. व्हाई पुलिस स्टेशन इज गोइंग टू टेक दैट उनका जो कंप्लेंट है बिकॉज इट डज नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन. तो विदाउट बीइंग अवेयर भाई हमारे को कंप्लेंट कहाँ पे करना है इफ यू अप्रोच दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन अस. ये इसीलिए हमारे को ये सब मालूम होना जरूरी है दी कंप्लेंट्स एंड व्हाट आर दी वेरियस फोरम्स टू बी लॉन्च्ड. ये इसीलिए वहां पे दिया हुआ है.
पुलिस का क्या है, जनरल बॉडी का? सो देयर आर ऑल टाइप ऑफ कंप्लेंट और इश्यूज जो है वो हमारे बायलॉज में रेफर किए कि आप कौन से टाइप के कंप्लेंट्स को आप कहां पे लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे भी उदयशंकर जी बताया कि कुछ हमारे कंप्लेंट जो पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, अगर वो जाके हम कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल करेंगे या उस हम रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे तो वो उनको शायद एंटरटेन नहीं करेंगे। इससे जरूरी है कि आपके कौन से कंप्लेंट किस टाइप के है उसके हिसाब से आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। व्हाट इज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ और एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एमसीएस एक्ट? नाउ जैसे कि एमसीएस एक्ट इज नोन एज ए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो इनका इसका ज्यूरिडिक्शन है, जो इसका एप्लीकेबिलिटी है वो ऑल ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। स्टेट द रीजन फॉर द रजिस्ट्रार नॉट इंटरफेयरिंग इन द अफेयर ऑफ द सीएचएस ऑन द डे टू डे बेसिस। अ सीएचएस इज ऑटोनोमस बॉडी एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द रजिस्ट्रार इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द सीएचएस इज द बेरेस्ट मिनिमम। तो जिसकी वजह से ही डजंट इन्वॉल्व इन टू डे टू डे अफेयर, बट अगर कुछ जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे सीएचएस उसमें काम नहीं कर रहा है, दैट दोज टाइप ऑफ कंप्लेंट कैन बी मेड टू द रजिस्ट्रार। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द अडॉप्शन ऑफ द बायलॉज? द बायलॉज ऑफ द सीएचएस कैन बी अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग द बिलो मेंशन्ड प्रोसेस। अडॉप्शन प्रपोजल कैन बी एन एजेंडा इन द एसजीबीएम और एजीएम विद इन 14 डेज क्लियर नोटिस, 16 डेज द डेट ऑफ नोटिस एंड मीटिंग इंक्लूडेड। सो इफ यू हैव टू इंक्लूड द डे व्हेन यू आर सेंडिंग द नोटिस और द डेट ऑफ एजीएम, अगर ये दोनों को इंक्लूड करेंगे तो टोटल डेज 16 डेज होता है। वो क्लियर हमको एक नोटिस सर्व करना है जहां पे एजेंडे में ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हम क्या अडॉप्शन करने वाले हैं, कौन सा हम बायलॉज अडॉप्ट करने वाले हैं। द एजेंडा अपार्ट फ्रॉम द अडॉप्शन ऑफ बायलॉज शुड ऑल्सो कंटेन इन द अथॉरिटी ऑफ द एमसी टू साइन द अमेंडमेंट प्रपोजल। सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वन शुड मेक इन द एजीएम और एसजीबीएम that the society should be approved or authorized to sign the amendment proposal which needs to be submitted. Resolution in favor of adoption of bylaws as well as authorization to MC is required. Enclosure kya kya requirement hai? Should contains the detail whether the gap between the notice and the meeting is as per the bylaws and whether the MC is authorized to sign the proposal. Enclosure number two should contain the detail like strength of the registered member, list in IE register as on the date of the JBM. The member present in the meeting, quorum required to pass the resolution in favor of adoption of the bylaws, proposer name seconded by the number of the bylaws in the existing bylaws, number of the bylaws to be amended. So you have to mention okay, what bylaws we want to amend, what you want to add, exact number of the bylaws to be given there. Enclosure number three contains the reason for the bylaws to be amended. So why we were wanted to change the particular bylaws why we want to make the amendments, wo reason completely apne ko annexure number 3 mein dalna zaruri hai. Enclosure number 4 contain the detail of the bylaws post amendment to be submitted in the court applicate. To ye aapko char copies mein isko submit karna hai. Enclosure number 5 contains the detail of the CHS like name, address, paid up share capital, authorized share capital, audit report of last three cooperative years, company letter addressed to the DCR by affixing court fee of rupees 50 denominations, certified true copy of the resolution of the general body meeting, sets of 2-4 new bylaws duly signed by the managing committee as well as the member of the CHS, and set of the old bylaws. Submit the entire proposal to the registrar office and seek acknowledgement. Within 60 days, the registrar is supposed to put the sign and seal on the proposal and hand it over to the CHS. While handing over, the DCR's office shall give a copy of the bylaws duly signed by the DCRs with the seal of his office affixed and the enclosure number 4 to the society. Now these are the documents which are required, this process to be followed agar humko naye bylaws ko adopt karna hai. So this is all is the what Mr. Udayshankar would like to share with the forum.